आज के दौर में आप मीडिया चैनलों को नफरत फैलाने का अड्डा बोलें या युवाओं को दंगाई बनाने का मंच कहें, सब में ये फिट बैठते हैं, क्योंकि टीवी में डिबेट के नाम पर जो जहर उगला जाता है उस पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि टीवी चैनलों में नफरत को रोकना एंकरों की जिम्मेदारी है। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी लताड़ लगाई है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। टीवी चैनलों का काम आम लोगों की बात करना था, उनके मुद्दे उठाने थे, उन्हीं चैनलों ने अब सरकार की गोद में बैठकर लोगों को ही दंगाई बनाने का ठेका उठा लिया है। डिबेट के नाम पर जिस तरह की नफरत फैलाते हैं वो इस देश के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट को सामने आकर चैनलों को लताड़ लगानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनलों को जमकर फटकार लगाई है। हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के एन जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने आज ये फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि ये एंकर की जिम्मेदारी है कि वो किसी को नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मूक दर्शक बन चुकी केंद्र सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और पूछा है कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर तमाशबीन क्यों बनी बैठी है। क्या टीवी चैनलों से नफरत फैलाने का मुद्दा सरकार की नजर में कोई मामूली मुद्दा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन टीवी पर अभद्र भाषा बोलने और नफरत फैलाने की आजादी नहीं दी जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज यूके की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां एक टीवी चैनल ने नफरत फैलाई थी तो उस पर भारी जुर्माना लगाया गया था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहां टीवी चैनलों के साथ सख्ती नहीं हो रही है, वो बेलगाम हो चुके हैं। ऐसे में सरकार मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा नहीं देख सकती है, बल्कि वो सख्त कदम उठाए, वरना हम उन चैनलों पर जुर्माना ठोक सकते हैं या उन्हें ऑफ एयर भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बार बार टीवी चैनलों पर नफरत फैलने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल के लिए एंकरों को जिम्मेदार बताया है। कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि टीवी पर नफरत ना फैले, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करे, ये एंकर की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शो का एंकर ही नफरती सोच का हो, दंगाई मानसिकता का हो, अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आदि हो, तो भला वो नफरतियों को अपने डिबेट में नफरत फैलाने से कैसे रोक सकता है? और अगर शो का एंकर ही नफरती भाषा का इस्तेमाल करे तो उन पर कौन लगाम लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच से राजनेताओं को सबसे ज्यादा फायदा होता है और टेलीविजन चैनल उन नफरतियों को मंच देता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा है कि चैनल और नेताओं की दुकान ऐसे ही हेट स्पीच से चलती है। टीवी चैनलों को पैसा मिलता है, इसलिए वो 10 लोगों को बैठाकर उनसे बहस कराते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं और हिंदू मुस्लिम के टॉपिक पर डिबेट कराकर दो समुदायों के बीच दूरी बढ़ा रहे हैं। टीवी चैनलों की हेट स्पीच की इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो हेट स्पीच को टीवी पर रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठा रहा है। वहीं केंद्र सरकार कोर्ट को बताए कि वो हेट स्पीच को रोकने के लिए विधि आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने का इरादा रखती है या नहीं। तो जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया चैनलों को आईना दिखाया है, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची होगी तो वो इस नफरत के कारोबार को छोड़ देगी। वैसे आप कोर्ट द्वारा चैनलों को लताड़ लगाने पर क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।